मेरा नाम प्रियांक है और मैं नोएडा से हूँ. ये मेरी मम्मी जी हैं. तो मेरे बेटे को प्रॉब्लम है बर्थ से ही. जब वो पैदा हुआ था नोएडा में एक हॉस्पिटल है उसमें, तो उसको MMC बोलते हैं, मेलिंगोसेले, तो उसकी प्रॉब्लम है. तो मैंने 2-3 जगह दिखाया डॉक्टर को भी, हॉस्पिटल्स में भी दिखाया. तो मैंने जितने भी सर्जन से कंसल्ट किया तो किसी ने भी मुझे बैक नहीं किया. किसी ने ये बताया कि बच्चा पैरालाइज हो जाएगा, या किसी ने भी मुझे बैक नहीं किया कि मेरे हिम्मत हो सके कि मैं ऑपरेशन कराऊं. तो फिर मैंने डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जी हैं और विमल जी हैं, इनसे मैंने कंसल्ट किया. इन्होंने मेरे को प्रॉपर समझाया और फिर मैंने इनकी बात को समझा, तो उसके हिसाब से फिर मैंने इनको दिखाया. तो देखने के बाद में तो मेरे को लगा कि कराना चाहिए ऑपरेट, तो मैंने ऑपरेट कराया है. और मैं विशेषकर धन्यवाद बोलना चाहूँगा डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जी और विमल जी और उनकी टीम को, और जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है और स्टाफ है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी सपोर्टिंग है. और ये भी बोलना चाहूँगा कि नोएडा और दिल्ली की तरह जो लंबे लंबे बिल बनाते हैं ना, वो भी नहीं है. वहाँ से कम ही अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है वहाँ के मुकाबले अगर आप यहाँ देखोगे. तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो चीज़ है काफ़ी मुश्किल चीज़ है, काफ़ी बड़ी है. तो बच्चे के लिए, अपने के लिए अगर ये चीज़ है तो टाइम वेस्ट ना करें, दिखाएँ अच्छे से. बस मैं यही बोलना चाहता हूँ. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, पहले मेरे को पता नहीं था, मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ तो मेरे को पता हुआ है कि ये जो चीज़ है फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती है. और पहले मैंने जो गायना को दिखाया था उन्होंने भी मेरे को नहीं बताया, शायद बताते तो मैं आज इस सिचुएशन में नहीं होता. तो आगे से कोई भी प्रेगनेंसी है, कोई भी चीज़ है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फॉलिक एसिड अपने वाइफ को दें प्रेगनेंसी डिसाइड करने से पहले, प्लान करने से पहले आप कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें. बस